नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्री फायर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री फायर यानी जिसे हम फ्री फायर बैटल ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं, यह मोबाइल के द्वारा खेला जाता है और यह गेम भारत में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय गेम है। आज हम आपको कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। इसमें हम बताएंगे कि फ्री फायर का निर्माण कब हुआ और कितने लोग फ्री फायर को खेलते हैं। फैक्ट नंबर वन, फ्री फायर गेम को 20 दिसंबर 2017 को रिलीज किया गया था और इसको 111.studio द्वारा विकसित किया गया था। फैक्ट नंबर टू, फ्री फायर के संस्थापक फॉरेस्ट ले है, जो कि गरीना कंपनी के फाउंडर भी है। फॉरेस्ट ली वर्तमान में कंपनी के सीईओ भी है। फैक्ट नंबर थ्री, फ्री फायर ने 4 दिसंबर 2017 को एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल्स के लिए जारी किया गया था। फैक्ट नंबर फोर, मई 2021 के आंकड़ों के अनुसार फ्री फायर गेम में 450 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स है और 50 मिलियन से अधिक एक्टिव यूजर्स है। फैक्ट नंबर फाइव, साल 2018 के आंकड़ों के अनुसार एप्पल प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर को मिलाकर फ्री फायर दुनिया का सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला गेम है। फैक्ट नंबर सिक्स, साल 2019 के अनुसार फ्री फायर ने $37 मिलियन के कमाई की थी और नेटफ्लिक्स, टिंडर व अन्य ऐप्स को पछाड़कर सबसे आकर्षित एप्लीकेशन बना है। फैक्ट नंबर सेवन, फ्री फायर के 1 बिलियन से अधिक डाउनलोड हैं और यह सिंगापुर की कंपनी है। फैक्ट नंबर एट, फ्री फायर के लॉन्च होने के बाद 22 देशों में नंबर 1 गेम था। फैक्ट नंबर नाइन, पबजी के बैन होने का सबसे ज्यादा फायदा फ्री फायर को हुआ था, क्योंकि सभी यूजर्स फ्री फायर पर ट्रांसफर हो गए। फैक्ट नंबर टेन, फ्री फायर को सबसे ज्यादा ब्राजील और इंडोनेशिया में खेला जाता है और साल 2021-2022 का फ्री फायर का सबसे बेस्ट प्लेयर भी इंडोनेशिया का सुल्तान प्रोस्लो है, जिसको 2022 में फ्री बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला है। क्या आप सुल्तान प्रोस्लो की फैक्ट्स वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।